समय साढ़े नाल गिदड़बाह तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डिंपी ढिल्लों जी जुड़ चुके हैं। ढिल्लों साहब बहुत बहुत स्वागत है। पहला तो मुबारकबाद, एक पहला टास्क होंगे कि टिकट पार्टी के वालों अनाउंस हो जाए। तो फर्स्ट इलेक्शन पार्टी ने टिकट तुहाडे नाम के उत्ते मोहर लगा दी है। जी सर बिल्कुल लगा दी जी। की कहना चाहोगे, तैयारी उस तरीके है क्योंकि समा थोड़ा जहा ही मिले है। अगले मिल लगता है कि 20-22 दिन ही ने जो तुम कैंपेन करनी होगी गिदड़बाह के और वोटर अपने वाले पास करना होगा। सर असी एक्चुअली मैं तो कदे कंपेन छड़ी नहीं जी, मैं रेगुलर ही अपना हल्के दे विच विचरदा, हरेक दे दुख दे सुख दे हरेक दे फंक्शन दे कम धंधे कराने रहने हैं जी। मैं कदे भी मतलब कि हल्के तो साइड ते नहीं होया जी, ऑलवेज मैं इन्हां दे नाल ही रहना जी। मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं जी, 20 दिन भी काफ़ी है जी क्योंकि मैं इन्हां तों कदे पासे होया ही नहीं जी अज तक। ते दूसरी गल ये है जी कि मतलब कि जिन्ने भी साडी सेंटर की टीम आ जी, जी श्री संदीप पाठक जी, अरविंद केजरीवाल जी, तो इस साढ़े इस हल्के के जेडे इंचार्ज लाए अमन अरोड़ा जी, जी प्लस सरदार दविंदर सिंह जी लाडी टोर, इन्हों सारे ने मेरी अपना सिफारिश की मेरे बारे कहा। तो सीएम साहब अपना सरदार भगवंत सिंह मान साहब तो उन्होंने तो मैनू पार्टी के लैके आए थे, वो तो मेरे नाल सीगे मेरी अपना पिट से उन्हों का हाथ सीगा। तो मैं सारे का ही धन्यवाद करता कि जिन्होंने मैं ये योग समझिया, इन्ना काबल समझिया कि मैं उन्हों आसा उम्मीदा से मैं खरा उतर पाऊंगा। आई एम रियली थैंकफुल टू ईच एंड एवरीबडी जो आम आदमी पार्टी के अपनी सीनियर लीडरशिप है जिन्होंने मेरे से अपना विश्वास जताया। ठीक है ढिल्लों साहब, एक चीज़ तुहाडे तों समझनी चाहांगे, 2017 दे विच करीब करीब 16,000 वोटां दे नाल तुहानूं हार दा सामना करना पिया, पर 2022 दे विच तां सिर्फ 1300 दे करीब ही वोटां दा फर्क रह गया सी, तुसीं विधानसभा पहुंचदे पहुंचदे रह गए। मेरा सवाल यह है कि 2022 ते 2024 दी बाई इलैक्शन दे विचाले तुहानूं की अंतर नज़र आ रहा, खुद दी कैंपेनिंग या खुद दी दावेदारी नूं लैके? नहीं सर मैनूं कोई एक्चुअली मैं कदे पासे नहीं होया जी, मैं पहले भी आप जी को बेनती की थी है, मैं रेगुलर ही हूँ जी, मैं काम कर रहा जी जिन्नी जो का हाँ जी, मैं पब्लिक के विचरदा भी हाँ, कम धंधे भी करा, कई बार अफसर जी कोई मेहनत साझना करा पैदा जी, कोई किमें कोई किमें मैं चलता रहना। मैं कोई बहुता मतलब ए नहीं फील हो रहा भी मैं कोई बहुत वो चीज़ अपना मेरे हिस्से आ गई आ, मैं इनू रूटीन के लैंना जी इस गल भी, जो पार्टी का जो अपना हुक्म आनू सिर मत्थे मन के श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान साहब आ सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब, दूसरे पासे सरदार मनप्रीत सिंह जी बादल साहब जी, दो वार दे फाइनेंस मिनिस्टर, पांच वार दे एमएलए, तीसरे पासे अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग कांग्रेस के प्रधान जी, ते चौथे पासे मैं एक निमाणा जिहड़ा कदे मैंबर भी नहीं बनिया। ते जिहड़े आम आदमी पार्टी ने तुसीं इह देखो भी मेरे वर्गे बंदे ते किड्डा वड्डा भरोसा करके मतलब कि मैनू टिकट दित्ती आ, मैं एक आम बंदा जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ, ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ 2022 ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਂਪੇਨ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਵੋਟ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜੀ 10-15,000 ਵੋਟ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ।
हाँ क्योंकि मैं लीडर नहीं गा जी, लोग मैनू प्यार करते, मैं उन्होंने प्यार करता, आपका बच्चा समझते, आपका भरा समझते, इस करके मेरे नाल अटैच है। चलो मैं एक होर जी, एक होर सवाल, आखिरी सवाल थोड़े तो जानना चाहना। देखो गिदड़बाह एक ट्रेंड रहा है डीपी जी, कि जिवें प्रकाश सिंह बादल इत्थे चोण मैदान च उतरे, चार चार पांच बारी उन्होंने लगातार लोगों ने जिताया। मनप्रीत बादल चोण मैदान च उतरे, चार बारी करीब लगातार जिते बाई इलैक्शन तो लैके 2007 तक, फिर उस तो बाद लगातार राजा वड़िंग जितते आ रहे हैं, तो लगता है कि हुण बारी टुटेगी? 100% टुटेगी जी, मेरी गल याद रख, करन वाला तो परमात्मा जी, जी रब दे हाथ बहुत कुछ हुंदा जी, जी पर रब फिर लोकां दे विच नहीं वसदा जी। जो मैनू प्यार सत्कार मिल रहा और मैनू ये अपना लग रहा जी भी एक्टी ये रिकॉर्ड टुटेगा जी। ते एक एक होर चीज मैं, हालांकि आखिरी क्वेश्चन का जिक्र कर लिया सीगा, एक तो सीधा मुकाबला किस दे नाल देखदे हो तुसीं, ते दूजा आम आदमी पार्टी ने सब तो पहला अपने उम्मीदवारों का नाम अनाउंस किया, उसका फायदा होएगा? मुकाबला किस दे नाल देखदे हो, कांग्रेस दे नाल या फिर कैंडीडेट दे नाल मुताबिक होएगा, कि जे सुखबीर बादल होए तो उन्हां नाल मुकाबला, जे अमृता वड़िंग होए तो सीधा मुकाबला उन्हां दे नाल? एक्चुअली सर दोनों चीजें डिपेंड करती है ना जी, कैंडीडेट प्लस पार्टी जी, केड़ी पार्टी केड़ी अपना केड़े कैंडीडेट नु उतारदी है, उतों बाद मुकाबला अपना स्टार्ट होएगा जी। क्योंकि हजे तक तो मैं कल ही अपना मैदान च आया ना जी, होर तक जे पार्टी ने कोई भी टिकट अनाउंस नहीं की थी जी, हजे तक तो आप कल ही आए हैं जी। तुहानू फायदा हो, तुहानू लगता है कि पहला टिकट अनाउंस करने नाल थोड़ा जिहा बेनीफिट हुंदा उस चीज़ का? हाँ जी सर बिल्कुल हुंदा जी, लोग खड़ जांदे आ नाल, चल पैंदे आ, जिन्हां नू असीं पहला टच कर लांगे वो फिर नाल चल पैंदे आ जी, इक वारी जदों बंदा नाल चल पए जी फिर बैकआउट नहीं हुंदा कदे।